हेलो बच्चों, आज कक्षा 9वीं की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। अपन सामाजिक विज्ञान में भाग 4 पढ़ रहे हैं बेटा, अर्थशास्त्र। मैं दीप्ति शर्मा आपको इसके पहले मैंने बेटा पालमपुर की कहानी सुनाई थी, जो एक काल्पनिक कहानी थी, है ना। आपने पढ़ी होगी, देखी होगी पीडीएफ में, है ना। पालमपुर की कहानी एक काल्पनिक कहानी थी बेटा, लेकिन बेटा उसके प्रश्न उत्तर आपको नहीं बने होंगे, तो आपको मैं इस पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ। आप कॉपी बनाओगे और इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में लिखोगे। आपका टेस्ट होगा बेटा, तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर से, मतलब जो क्वेश्चन आंसर मैं लिखवा रही हूँ, इसी के अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो पालमपुर की कहानी के प्रश्न उत्तर। पालमपुर एक कहानी बताई थी बेटा, एक काल्पनिक कहानी थी। तो उस गांव में कितने, कौन सा गांव था, कितने लोग रहते थे, वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वहां के मतलब गैर कृषि कार्य कौन कौन से थे, तो इस उससे संबंधित वो सारे प्रश्न है बेटा। तो पहला प्रश्न है बेटा, आप किताब में भी देखोगे, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक प्रत्येक गाँव का सर्वेक्षण किया जाता है। तो भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है बेटा, 10 वर्ष के दौरान। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका भरिए। तो पालमपुर एक गांव है, कैसा गांव है, छोटा सा गांव ना, काल्पनिक कहानी है बेटा ये। एक छोटा गांव, एक बड़े गांव रायगंज और एक छोटे कस्बे शाहपुरा से जुड़ता है। तो गाँव का क्षेत्रफल कितना है बेटा वहाँ का, 166 हेक्टेयर है। या फिर पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर दूसरा है बेटा, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, तो उद्योगों को निर्मित किया जाता है, उससे आप सहमत हैं क्या। तो जो खेती की जाती है वो कैसी की जाती है, आधुनिक विधि से। हाँ, हम सहमत हैं, मतलब अगर कोई भी कार्य आधुनिक विधि से करेंगे तो हम तो आज सहमत होंगे ना बेटा। हाँ, हम सहमत हैं। आधुनिक कृषि की तकनीक के लिए अधिक संसाधनों की क्या होती है, जरूरत होती है। उद्योगों को बनाए, मतलब नए नए उद्योग बनाए जाते हैं। आधुनिक कृषि आगतों जैसे नलकूप, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है, काय के लिए, आधुनिक कृषि को बढ़ाने के लिए। इससे पता चलता है कि कृषि का उद्योग एक दूसरे के सामूहिक रूप पर निर्भर है, एक दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं, और एक के विकास होता है तो दूसरा उसका अधिक पीछे नहीं रहेगा। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया बेटा। फिर है, पालमपुर में बिजली के प्रसार के लिए किसानों को किस प्रकार की मदद की, मतलब जो पालमपुर गांव है वहां पर किसानों ने बिजली के प्रसार के लिए किस प्रकार, पालमपुर में बिजली के प्रसार के लिए किसानों ने निम्नलिखित प्रकार से मदद की। तो पहला है विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस एवं मशीनों से किसानों के घरेलू कार्य में मदद की गई। फिर दूसरा है सिंचाई की उपयुक्त विधि हेतु नलकूप, पंपिंग सेट की, मतलब पंपिंग सेट को बिजली द्वारा चलाया गया। तीसरा है कृषि उपकरण जैसे हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि ने किसानों की सहायता की। और फिर चौथा है बिजली का उपयोग गांव में प्रकाश के लिए किया गया। प्रश्न 4 है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्या, क्यों नहीं महत्वपूर्ण ना। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के लिए पौधों का जन्म, उनका विकास, फलन और फलना फूलना मिट्टी, जल और हवा के कुशल सहयोग पर निर्भर करता है। मतलब क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको नए पौधे लगाना, उसका विकास करना, फलन, मिट्टी, जल एवं हवा के कुशल सहयोग का क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि चाय की असुविधा के कारण जल प्राप्त नहीं हो पाता तो फसल कैसी हो जाएगी, सूख जाएगी। लगातार जल में क्या होगी, कमी होगी, तो क्या होगा, अकाल का भय हो जाता है। मतलब अगर किसी गांव में जल की सुविधा नहीं होगी तो वहां की फसल कैसी हो जाएगी, सूख जाएगी।
तो अगर जल की कमी होगी तो वहाँ क्या होगा बेटा, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सिंचाई की सुविधा, प्राप्त भूमि के टुकड़े, कृषि उत्पादन, संचित भूमि के टुकड़े उत्पादन से अधिक। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक हैं। जो सिंचित क्षेत्र हैं उसके लिए बेटा चार उपाय हैं, है ना, तो इन चारों को आप याद करोगे। सिंचाई की सुविधा, प्राप्त भूमि के टुकड़े में, कृषि उत्पादन असिंचित भूमि के टुकड़े में उत्पादन को क्या करेगा, अधिक करेगा। और कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक है। फिर आपको बताया था मैंने पालनपुर एक छोटा सा गांव है बेटा, उसमें 450 परिवार रहती है, बताया था ना मैंने। तो पालनपुर परिवार में, मतलब पालनपुर के 450 परिवार में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई, मतलब वहाँ पर लोगों के पास कितनी भूमि है। तो पालमपुर गांव में 450 परिवार में भूमि का विवरण ऐसे है बेटा, तो वहां पर 150 जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, भूमि हैं, और जो दलित हैं इनके पास मतलब कृषि कार्य करने के अलावा कोई कार्य नहीं, उनके पास भूमि नहीं है। और 240 ऐसे हैं बच्चे जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम टुकड़े की भूमि है, वे कौन से किसान कहलाते हैं, छोटे किसान कहलाते हैं, है ना। उनके पास भूमि तो है पर वे छोटे किसान, उनके पास भूमि का एक टुकड़ा है। और 60 ऐसे हैं व्यक्ति हैं बेटा तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है, भूमि के टुकड़े के माध्यम से वे कार्य करते हैं और वे मध्यम और बड़े किसान कहलाते हैं। तो ये 450 परिवार हैं उनका इस प्रकार से विवरण है। फिर है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है, तब जो पालमपुर के खेतीहर श्रमिक हैं उनकी जो खेती है वो उनकी मजदूरी दर कम क्यों है। उत्तर में आएगा बेटा, पालमपुर में श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने के निम्नलिखित कारण है। तो पहला है श्रमिकों की मजदूरी लाचारी और बेकारी, मतलब जो श्रमिक वर्ग होते हैं बेटा वे लाचार होते हैं, कमजोर होते हैं, उनकी बेकारी, उसके कारण उन्हें क्या मिलती है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी कम, मतलब वो काम मिल जाए उनको, उनको दाल रोटी चले इसके लिए वे कम मजदूरी में भी काम को क्या कर लेते हैं, स्वीकार करने के लिए विवश होते हैं। दूसरा है जमींदारों और बड़े किसानों द्वारा श्रमिकों का शोषण, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं बेटा वे अपने काम कराने के लिए छोटे जिनके पास जमीन नहीं है, जिनको खाने की दिक्कत है, उनको मधुआ मजदूर टाइप का बनाकर उनसे काम कराते हैं, तो ऐसे श्रमिकों का क्या होता है, शोषण होता है। फिर तीसरा है आवश्यक मात्रा में रोजगार का उपलब्ध नहीं, गाँव में बेटा वहाँ पर आवश्यक मात्रा में रोजगार प्राप्त नहीं होता, इसलिए जो पालनपुर के श्रमिक होते हैं वे न्यूनतम मजदूरी काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, इसलिए आवश्यक मात्रा में रोजगार उपलब्ध ना होना। फिर चौथा है न्यूनतम मजदूरी में अधिनियम देहातों में लागू ना किया जाना, यही कारण, मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है वहाँ पर कोई अधिनियम नहीं होते, कोई नियम नहीं होते, इस कारण भी कोई नियम ना होने के कारण भी वहाँ गरीब मजदूर जो होते हैं उन्हें मजदूरी दी जाती है और अपने भाग्य विधाता व वरदान समझकर वह उसे ले लेते हैं। फिर है बेटा सातवां, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों की बात कीजिए, खेतों में काम करने वाले क्या निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों से किसी को कितनी मजदूरी मिलती है या उन्हें नगद पैसा मिलता है, इसके रूप में उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या वे कर्ज में हैं। तो खेतों में काम करने वाले मजदूर की स्थिति कैसी होती है, करने वाले श्रमिकों को 35 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से उन्हें क्या प्राप्त होती है, मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी की राशि श्रमिक को पूर्ण रूप से नगद और कुछ को आंशिक रूप से अनाज के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। दोनों पद्धतियों द्वारा अर्थात कुछ नगद और कुछ अनाज के रूप में से क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए
उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। मतलब जो एक भूमि है उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हो सकते हैं। पालमपुर गांव में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग कीजिए। तो भूमि के एक टुकड़े का उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो पहला है बहुविधि फसल उगाना, मतलब एक ही भूमि के टुकड़े में कई फसल उगाना, उसे कहते हैं बहुविधि फसल। भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहुविधि फसल का उगाना कहते हैं। यह निश्चित ही कुल उत्पादन में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। दूसरा है आधुनिक कृषि उपकरण, मतलब कृषि के लिए आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करना, तकनीकी उपयोग करना, एक HYV बीजों का उपयोग करना, ट्रैक्टर, नलकू, हार्वेस्टर, थ्रेसर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग एक ही भूमि के टुकड़े पर उत्पादन के लिए वृद्धि करता है। मतलब आप आधुनिक कृषि का उपकरण का इन सब का उपयोग करके वहाँ पे उत्पादन की वृद्धि कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर एक हार्वेस्टर भूमि में मालिक इंसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। एक हेक्टेयर भूमि की मात्रा में एक ही परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत है। मतलब एक हेक्टेयर जो भूमि है, भूमि की मात्रा में मतलब उस परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत कम है। तो एक हेक्टेयर में क्या होगा ना, तो एक परिवार के लिए ये सब चीज़ क्या है। इसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित है। तो खेतिहार मजदूर के रूप में बड़े किसानों जमींदारों के पास कार्य कर सकता है। कौन, एक मतलब इंसान जो श्रमिक है वो, उनके पास कुछ नहीं, बस एक हेक्टेयर भूमि है, उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहर भी भेज सकता है। फिर गांव में धनी लोगों के पास नौकरी भी कर सकता है। कौन, एक मजदूर पर, है ना। गैर कृषि कार्य हेतु पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि कार्य भी कर सकता है। काय के लिए, अपने मतलब कार्य को बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से कार्य, अपने जीवन यापन को अच्छा करने के लिए कौन कौन से कार्य कर सकता है, तो वह क्या क्या कर सकता है, खेतिहार मजदूर, बड़े किसानों और मजदूरों के पास कार्य भी कर सकता है। अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहर भी भेज सकता है और गांव में धनी लोगों के पास वह नौकरी भी कर सकता है, जिससे उसके जीवन, अपने घर का, उसके परिवार का पालन पोषण आराम से हो सके। या फिर वह गैर कृषि कार्य जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि कार्य भी कर सकता है। फिर है बेटा दसवां प्रश्न है, आप बुक में देखोगे दसवां प्रश्न। मझोले और बड़े किसानों में कृषि पूंजी प्राप्त करने हेतु छोटे छोटे किसानों को कैसे भिन्न है। तो बड़े एवं मध्य किसानों की पूंजी की आवश्यकता, उनके द्वारा की गई कृषि क्रिया उत्पादन ऐसी शेष को सूचित हो जाती है, वित्तीय रूप से सबल होते हैं, इसलिए उनके लिए सरकारी एवं ग्रामीण बैंकों के कर्ज प्राप्त करना आसान होता है। शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवार के सदस्य भी उनकी वित्तीय सहायता करते हैं। छोटे किसान बड़े किसानों साहूकारों के बीच ब्याज दर कर्ज प्राप्त जो कि ऋणग्रस्त और चुंगल में फंसा देती है। फिर 11वां प्रश्न है बेटा, सविता को किन शर्तों पे तेजपाल ने कर्ज मिला। ब्याज दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की क्या स्थिति थी, इसके निम्नलिखित कारण है। तेजपाल से ऋण प्राप्त कर तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीने के लिए क्या दिया, उसने कर्ज दिया, जो ब्याज की दर कैसी थी, बहुत ऊंची थी। सविता को यह भी वचन देना पड़ता था कि वह कटाई के मौसम के खेतों में श्रमिक के रूप में 35 रुपये के प्रति से वह काम भी करेगी, मतलब वो ऋण भी लेती थी और वह साहूकार को यह वचन भी देती थी।
अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए, मतलब जो पालमपुर गांव है, तो वह कह रहा है कि अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाई। मतलब जो गांव है वहाँ पे जो सिंचाई की व्यवस्था है, उत्पादन की व्यवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट दीजिए। अपने क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात करने के पश्चात सिंचाई के साधनों का विकास प्रतिक्रिया का ज्ञान हुआ। पहला, प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कुएं इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति नहर द्वारा की जाती थी। तालाब और नदी नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसमें पंपिंग सेट और नलकूपों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाने लगा। ठीक है बेटा, तो ये सिंचाई के लिए जो नए तरीके हैं किए गए वो उसके बारे में बताएं। फिर प्रश्न 13 है बेटा, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, उनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए गैर कृषि उत्पादन कार्य निम्नलिखित हैं। तो पहला है पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन, ये क्या है? गैर कृषि उत्पादन कार्य। और दूसरा है कुछ शिक्षित लोगों द्वारा नर्सरी पाठशाला, मतलब कुछ गांव के शिक्षित लोग हैं, उन्होंने नर्सरी पाठशाला और प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठशाला की स्थापना की। पांचवा है, गांव में दूध एकत्रित करके शहरों की आपूर्ति, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। ये क्या हुआ वहाँ पे गांव की, क्या है ये? एक छोटे से गांव की एक व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था है जो गैर कृषि कार्य में के अंतर्गत आती। तो पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, फिर कुछ हुआ तो कुछ शिक्षकों शिक्षित लोगों द्वारा प्राथमिक शाला खोल ली, नर्सरी खोल ली, तो पाठशाला की स्थापना कर दी। फिर गांव से दूर एकत्रित शहरों में आपूर्ति करना, मतलब गांव में जो भी उत्पादन हो रहा है तो उसकी आपूर्ति के लिए कार्य करना। फिर सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना और शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना, ये गैर कृषि उत्पादन कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर ये बेटा, गांव में अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए उपाय, गांव में गैर कृषि कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य किया गया, तो परिवहन का विकास, गांव और शहरों के बीच संकल्प, उत्तम सड़क बनाकर गांव में कृषि के अतिरिक्त उत्पादन शहरों में भेजा जा सकता है। मतलब जो गांव का विकास है उसमें गैर उसमें कार्य, तो सबसे पहले परिवहन का विकास करना चाहिए, गांव और शहरों के बीच संकल्प मतलब सड़क जोड़नी चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, फिर गांव में कृषि के अतिरिक्त उत्पादन को भी शहरों में भेजना चाहिए। और दूसरा है, इसी प्रकार शहरों से गांव के लिए आवश्यक वस्तु मोबाइल बुलाई जा सकती हैं। फिर है संचार का विकास, मतलब गांव के विकास के लिए संचार का विकास गांव और देश विदेश से जोड़ा सा जा सकता है। फिर है चौथा, सरकार द्वारा गांव में उद्योग धंधे, मतलब जो छोटे छोटे उद्योग धंधे कुटीर उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं, गांव में रोजगार के अवसर में वृद्धि भी की जा सकती है। फिर ग्रामीण कल्याण योजना विकसित की जा सकती है, मतलब जो छोटे से गांव में है वहाँ पर ग्रामीण सरकार द्वारा भी बेटा बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं ग्रामीण विकास के लिए। फिर गांव में अच्छे सरकारी स्कूल खोलकर गांव को शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। तो ये आपने पढ़ा गांव के गैर प्रारंभिक, तो जहाँ वहाँ पर जो उपाय हैं वो इतने हैं बेटा, 7 हैं, इनको आप सारे, पूरे 14 प्रश्न हैं बेटा।